मैं पवन कुमार गर्ग D34 निराला नगर लखनऊ निवासी हूँ। मैंने अभी 20 तारीख को अपने मामा जी और उनके दोनों बेटों को अपने मित्र श्री आनंद रस्तोगी व्यापार मंडल अध्यक्ष सराय मालिका चौक के द्वारा उनके जानने वाले हॉस्पिटल कामाख्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कामाख्या हॉस्पिटल में ऐसी लूट चल रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पेशेंट भर्ती करने से पहले उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड की, जिसको किसी तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया। 4 सिलेंडर उनको दिए, 4 सिलेंडर वो लेके रोज और उसके बाद हमारे पेशेंट का इलाज कर रहे थे, जबकि उनके पास सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता थी। रोज का 30,000 रुपये बेड के हिसाब से उन्होंने वो लिया, पैसे लिए। और जब 6 दिन बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया तो मेरे मामा के दोनों बेटे निगेटिव आ गए थे, लेकिन मामा जी पॉजिटिव थे। तब भी उन्होंने ज़बरदस्ती लामा पे साइन करा के और कहा कि इनको भी ले जाइए, हम तीनों को एक साथ ही डिस्चार्ज करेंगे। 6 दिन का बिल उन्होंने 8.5 लाख रुपये का बनाया, जिसमें बहुत कहने और सुनने के बाद आनंद भैया के उससे 7,40,000 रुपये का पेमेंट हुआ, जो आनंद भैया ने उनको दिया। कैसे मामा जी ने अरेंज किए वो पैसे, कैसे हम लोगों ने मैनेज किए, ये हम ही लोग जानते हैं। ना इतने बड़े आदमी हैं और ना इतना पैसा दे सकते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन 20,000 रुपये में अस्पताल खुद ही बेच रहा है। उनका कहना था 20,000 रुपये दीजिए, पेशेंट की जान खतरे में है, एक इंजेक्शन 20,000 रुपये का लगेगा। मजबूरी थी, करते क्या ना करते, उनको वो भी पैसे दिए गए। 6-6 इंजेक्शन तीनों को लगे। उसके अलावा 7,40,000 रुपये का बिल उन्होंने जो है बड़ी मुश्किल से, वो भी 7,40,000 रुपये डिस्काउंट करने के बाद उन्होंने लिया है 6 दिन का, जिसमें उन्होंने ना कोई भी जांच की रिपोर्टें दी, ना कोई एक्सरे का वो दिया, और उसके पैसे भी उन्होंने उसमें लगा रखे थे। 86,000 रुपये की दवाइयाँ लगाई हैं, जिसमें उन्होंने कोई भी दवाई का ना पर्चा दिया, ना कोई ये दिया कि क्या ट्रीटमेंट चला है और आगे क्या ट्रीटमेंट चलेगा। उसके अलावा ज़बरदस्ती उन्होंने मामा जी को डिस्चार्ज कर दिया और बोले कि इनको ले जाइए, ये पॉजिटिव हैं, लेकिन जो है आप लामा पे आपको साइन करना पड़ेगा, अब हम इनको नहीं रखेंगे। बताइए, इस तरीके से लूट चल रही है अस्पतालों पे और हमारी सरकार कह रही है कि नहीं कुछ भी नहीं है। कैसे ये हम लोगों ने तो मैनेज कर लिया, लेकिन कैसे बाकी आदमी मैनेज करेगा मुझे नहीं समझ में आता। इस तरीके से लूट होगी, अस्पताल डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और वही डॉक्टर लूट रहा है। वहाँ पे डॉक्टर प्रतिभा पांडे हैं, वो खुद पॉजिटिव होने के बावजूद लोगों का इलाज कर रही हैं। किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्टिव स्टाफ नहीं, केवल हर आदमी को वहाँ पे पैसा चाहिए। ऐसे अस्पताल का क्या फ़ायदा है? इससे बढ़िया तो इलाज ना हो तो ज़्यादा ठीक है। मेरी आप लोगों से विनती है इस चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, कि कृपया सरकार ध्यान दे और ऐसे अस्पतालों को तुरंत बंद किया जाए और लूट खसोट बंद हो। पता नहीं और किन किन अस्पतालों में क्या हो रहा है, ये तो मेरे ऊपर आप बीती है इसलिए मैं ये आपको बता पा रहा हूँ। बाकी कितने लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितने पेशेंट मर जा रहे हैं, कहाँ से आदमी इंजेक्शन का इंजाम करेगा, कैसे ऑक्सीजन लाएगा, ये सारी स्थितियों से आप अवगत हैं कि बाहर मार्केट में ना ऑक्सीजन मिल पा रही है आम आदमी को, ना जो है इंजेक्शन मिल पा रहा है, ना ही दवाइयों की उपलब्धता है। उसके बावजूद अगर हॉस्पिटल ऑक्सीजन मांगता है कि आपके पेशेंट को ऑक्सीजन आप दोगे तभी भर्ती करेंगे, तो आम आदमी कैसे ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करेगा? कृपया सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ को बहुत ही सीरियस ले और ऐसे अस्पतालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हो सके तो उनका, वो भी इतने मजबूत नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट कैसे सब लोगों ने मिल के किया है, पैसा वापस किया जाना चाहिए, यही मेरी विनती है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।